आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के जीवन पर उनकी बहन भानुमती नरसिम्हन ने गुरुदेव ऑन द प्लेट्यू ऑफ द पीक नाम की किताब लिखी है। और किताब के बारे में चर्चा करने के लिए सांसद महेश गिरी और सांसद मीनाक्षी लेखी के साथ पर्यावरणविद बोला शिवा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद महेश गिरी ने कहा कि गुरु के बारे में लिखना सबसे कठिन होता है, लेकिन दीदी भानुमती ने ये काम किया है और ये बहुत बड़ी ही बात है। वहीं सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी श्री श्री रविशंकर जी के बारे में अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर किताब की लेखिका भानुमती नरसिम्हन ने MHN न्यूज से खास बातचीत की और किताब के बारे में चर्चा की। इस मौके पर भानुमती नरसिम्हन ने कहा कि इस किताब में वो बातें हैं जो लोगों को श्री श्री रविशंकर जी के बारे में नहीं पता और इस किताब के जरिए वो जान पाएंगे। She is the chairperson of the International Women's Conference, which is a program that... Their education has really done some amazing fellowship workshops and entrepreneurial workshops. And a new program, in that sense, you get an idea about it. And then, of course, we'll read some excerpts from the book. And Vandana Narang, who is the director of the National Institute... We have another panelist who will be joining us shortly, Meenakshi Lekhiji, who is the Member of Parliament for New Delhi. 2 months later, the book is still in the top 10, and every time I'm taking a flight, I see it right up there, front and center, in the bookstores at the airport. And it's an amazing book, just like Bhanu Didi is an amazing person. It's been quite a journey, and she's the chairperson of the International Women's Conference, which is a program that... Guru Ji ke baare mein kaise unhone ye pustak likhi, kyunki Guru ko likhna asambhav hai is prithvi par, bahut asambhav hai, kyunki aap चरित्र तो लिख सकते हैं पर लीला कैसे लिखोगे? और गुरु की लीला अपरंपार है, क्योंकि वो किसी एक वक्त में या एक व्यक्तित्व में दिखते ही नहीं है। वो मौन है तो बुद्ध है, वो जब नटखट है तो कृष्ण है, वो मर्यादा में है तो पुरुषोत्तम राम है, वो ध्यान में है तो बुद्ध है। तो एक चरित्र में लिख ही नहीं पाते, उनकी तो लीला है, और लीला लिखना इतना आसान नहीं है। और जब गुरु के लिए लिखना हो, दीदी के भाई भी हैं पर दीदी के गुरु भी हैं, तो जब गुरु के लिए दीदी लिखी तो मुझे नहीं पता कैसे लिखा उन्होंने, पर तब मुझे कबीर के वो पद याद आते हैं, पृथ्वी का कागज करूं करम कलम करूं बनराई, पृथ्वी का कागज करूं कलम करूं बनराई, समुंदर की स्याही करूं फिर भी गुरुगुण लिखा न जाई, फिर भी गुरुगुण लिखा न जाई। तब एक भक्त ने कबीर को जवाब दिया था, वो बड़ा कमाल का है। उस भक्त ने कहा, हृदय का कागज करूं असुवन की करूं स्याही, हृदय का कागज करूं असुवन की करूं स्याही, जिह्वा की लेखनी करूं तब ही गुरुगुण लिखा जाई, तब ही गुरुगुण लिखा जाई। क्योंकि बुद्धि से तो संभव है नहीं, क्योंकि गुरु तो बुद्धि से परे हैं। गुरु को आपको भी अनुभव, बुद्धि से समझ नहीं जाएंगे तो आगरा पहुंच जाएंगे, और गुरु जी को बुद्धि से समझना तो असंभव, असंभव। उन्हें केवल भाव से समझ सकते हैं, क्योंकि वो भाव की मूर्ति है, वो प्रेम की मूर्ति है, तो उन्हें वैसे ही समझा जा सकता है। I wouldn't call him God incarnate because I don't think it that way. I look at him as a human, as a person who's sort of nudging you to take the right path. And
and take the right path. And he's a man of science. So science and Vedas. So I normally, when I'm reading up anything, and I'm not a very learned person, but I like to be in the company of learned people. So I normally feel that our rishis and our Vedic science was actually, the spirituality had a very deep connect with science, which over the years we have kind of lost. And here is one person who's connecting spirituality through scientific methodology. So science will sort of check your blood pressure, check your pulse, check your general well-being, and check all the hormones which have become balanced. But the spirituality is the meditation, the processes, the smile, the happiness, and that spirituality will connect directly to the science of being, of existence. आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के जीवन को एक किताब के रूप में समेटना हालांकि मुश्किल है, फिर भी भानुमति नरसिंह जो हैं, उनकी छोटी बहन, उन्होंने कोशिश की है। आपको कैसे ये प्रेरणा मिली कि गुरुजी का जो जीवन है उसको एक किताब के रूप में लोगों के सामने लेकर आया जाए? प्रेरणा तो सभी लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं, so many people have been asking me, whoever I meet, they wanted to know more about Gurudev, and from a sister's angle, so it gave me that courage and confidence to write about him. Of course, I have written in the book also that it is like capturing a ocean in a teacup, you know, it is not possible, but still I have made somewhere some little attempt, and it's all about our growing up days and that way, you know, as a sister from that angle, and also how I have been benefited by his wisdom right from my birth, you know. So that is the angle I have taken, and I hope it makes people happy by reading the book. उनका जीवन इतना अपार है, इतनी चीज़ें हैं जिनको एक किताब के रूप में समेटना बहुत मुश्किल होता है, कितना कठिन था जब आपने लिखना शुरू किया, आपको लगा कि आप ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको एक किताब के रूप में समेट पाएंगे? एक विद में इट वॉज डिफिकल्ट इन वन वे दैट आई केप्ट फीलिंग दैट इज नॉट एनफ व्हाट आई हैव रिटन, सो आई केप्ट री राइटिंग लाइक दैट, बट अनदर एंगल इट वॉज वेरी ईजी बिकॉज आई हैव रिटन वॉट एवर हैज हैपेंड इन माई लाइफ. It is a like everything is happening, you know? So experiential sharing is happening. इस किताब में वो भी पहलू हैं जब गुरुजी जिस तरीके से आध्यात्मिक गुरु बने, उन्होंने आपको जो बातें कही, क्या वो भी अंश उसमें हैं? पब्लिक को वो भी पढ़ने को मिलेंगे इस बुक में? हाँ, ये आर्ट ऑफ लिविंग कैसा बिगिन हुआ सब है इसमें, तो and it is, I would say it is from my viewpoint, so you can read and understand about it. आप भी पढ़ो किताब. फ़र्क नज़र आता है जब 10 साल के एक भाई को आपने देखा और इस तरीके से गुरु जी जिसको पूरी दुनिया जानती है, कितना फ़र्क जो है नज़र आता है, कैसे भाई के रूप में पाती हैं, कैसे गुरुदेव के रूप में? गुरुदेव तो ही इज़ मेड मी सो कम्फर्टेबल, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ गुरुदेव, एवरी रोल ही प्लेज परफेक्टली, वेदर इज brother or guru, you know, that he never makes me feel I'm lost in the world as a nahi, so always he has treated me like a sister and also of course uplifted me like a devotee, so in that way he plays all the roles perfectly. That is the beauty of the enlightened one, you know, they know what, how and when to uplift people, how to care for people. तो ऐसा इसीलिए मेरे को ऐसा कभी भी नहीं महसूस हुआ कि मैं ओ अभी हम भाई नहीं हैं, अभी है ना बहुत ऊंचे तरफ पहुंच गए, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी मुझे महसूस करने के लिए ऐसा नहीं हुआ. हमेशा आई हैव फेल्ट कनेक्टेड टू हिम द सेम वे आई हैव बीन विद हिम. बचपन की कोई ऐसी जो बात आपको याद हो, भाई और बहन के बीच में जो बातें हैं वो आपने इस बुक में संकलित की हो, उसके बारे में बता सकते? बहुत सारे हैं ना, अभी ऐसा शॉर्ट टाइम में वी कांट से, बट डेफिनेटली यू कैन, व्हेन यू रीड द बुक यू विल अंडरस्टैंड, यू नो, द स्मॉल लिटिल थिंग्स लाइक कलेक्टिंग स्टैम्प्स और
For example, when we used to be small, we had to offer everything to God and then, you know, nevedi karke phir khana aisa, even chocolate also, biscuit also. So I used to ask why we should give it to God. He doesn't eat anyway. So he will say, he will make it sweeter and give it to you. So ever since then, I would feel, always feel prashad dete na. So I would always feel prashad is more sweeter than what we prepare, you know. So many such things, small little events, which is very sweet moments, but still has a long impact on me. Even now, it is like that. Many instances are there. Thank you. चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. पहले ही best seller आपकी book हो चुकी है. हम चाहते हैं कि आपकी book और भी आगे लोग पढ़ें. थैंक यू. तो आपने सुना कि किस तरीके से भानुमती नरसिंह ने साफ तौर पर कहा है कि इस बुक में इस तरह के अनछुए पहलू होंगे, वो बातें होंगी जो जनता अब तक नहीं जानती थी, और इस बुक के माध्यम से श्री श्री रविशंकर के बारे में जनता जान पाएगी. कैमरामैन आदित्य कुपांडे के साथ आलोक सांगवान, एमएचएन न्यूज़, दिल्ली.